नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न। दोस्तों 14 मार्च 14 तारीख को है आमल की एकादशी। दोस्तों एकादशी का दिन भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का बहुत ही मजबूत, बहुत ही बढ़िया दिन है। एकादशी कोई भी हो, एकादशी वाले दिन पितरों को दोस्तों काले तिल डाल करके एक लोटा जल अवश्य ही आप अर्पित कर दिया करें, ताकि पितृ दोष आपको कभी भी ना लगे। जो लोग हर एकादशी को पितरों को काले तिल वाला जल अर्पित करते हैं, उन्हें दोस्तों कभी भी पितृ दोष नहीं लगता। तो ये है दोस्तों आमल की एकादशी। आज के दिन नहा धोकर के आप स्वच्छ हो जाएं, पीले रंग के कपड़े पहने या सफेद रंग के कपड़े पहने, भगवान श्री हरि के घर में स्थापना करें। केसर या हल्दी से आप उनका स्नान करवाएं, केसर या हल्दी का ही आप उन्हें तिलक लगाएं, पीले रंग के आप उन्हें वस्त्र अर्पित करें, पीले रंग के फूल अर्पित करें, घी का दिया लगाएं, अगरबत्ती लगाएं और पीले रंग के आप उन्हें मिठाई अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जितना ज्यादा हो सके दोस्तों जाप करें। आज के दिन हल्दी वाला जल पीपल के पेड़ में भी आप अवश्य ही अर्पित करें, मतलब पीपल के पेड़ को भी अर्पित करें और वहां पर भी आप इसी मंत्र का जाप करें। आज के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से दोस्तों जन्मों की गरीबी दूर हो जाती है। यदि आपके घर के आसपास कहीं भी आंवले का पेड़ लगा हुआ है, तो आज के दिन सुबह उठते के साथ हथेली दर्शन करने के बाद आंवले के पेड़ का चाहे दूर से ही आप दर्शन करें, लेकिन दर्शन करके दूर से ही आप उन्हें एक बार तो प्रणाम जरूर कर लें। आज के दिन सुबह उठते ही आंवले के पेड़ के दर्शन करना। यदि आंवले का पेड़ घर के आसपास नहीं है, तो आंवले के फल, आंवले लाकर के आप अपने घर में रखें। सुबह उठते ही हथेली दर्शन के बाद आंवले का दर्शन जरूर करें। आज के दिन आंवले का दर्शन करने से भी दोस्तों किस्मत चमकती है। भगवान श्री हरि की, माता लक्ष्मी की और शिव जी की आपके ऊपर जबरदस्त कृपा बरसती है। तो और कोई काम आप कर पाए ना कर पाए, सुबह उठ करके आंवले के पेड़ का या आंवले के फल का दर्शन जरूर करें। किस्मत दोस्तों सोने जैसी चमकेगी, करके देखें। जय श्री कृष्ण।